नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से 2017 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर LDC, सूबेदार स्टेनोग्राफर LDC एंड स्टेनोग्राफर एटसेट्रा रिक्वायरमेंट टेस्ट फॉर पुलिस हेडक्वार्टर होम पुलिस 2017। ठीक है, तो जो आपका LDC स्टेनोग्राफर LDC जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, तो हम पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो हम इसमें देखेंगे कि जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पूरे डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था? ठीक है, तो किस वर्ष में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 1986-87 में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था। हमारा दूसरा प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1923 में दोस्तों जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल से वर्षा बर्मन जुड़ी हुई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। निशानेबाजी का संबंध वर्षा बर्मन से है, तो एक जे खेल से भी प्रश्न पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो कौन है, चार्ल्स कोरिया। ठीक है, कौन है दोस्तों, चार्ल्स कोरिया भारत भवन के वास्तुकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा छतरी बाग। ठीक है, जो निम्नलिखित देवताल ये दोनों, इनमें से जो छतरी बाग है ये पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कलियादह महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण में कौन सा वनस्पति पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांस। ठीक है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण में बांस पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनिल ककोड़कर को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में अनिल ककोड़कर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रमेश चंद लहोटी भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, रमेश चंद लहोटी भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे। हमारा अगला प्रश्न है, बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ममता शर्मा का, जो कि बॉलीवुड पार्श्व गायिका थी, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, नरवर किला विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है नरवर किला। कौन से संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं? ठीक है, तो इंदौर ऐसा संभाग है जहाँ पर सबसे अधिक जिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दक्षिण। ठीक, नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। मांडू का जहाज महल अफगान, ठीक है, मांडू का जहाज महल अफगान वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पेंच बाघ अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सिवनी और छिंदवाड़ा। ठीक है, जो पेंच बाघ अभ्यारण्य है वो सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सीके नायडू टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। ठीक है, फर्स्ट कैप्टन थे कौन, सीके नायडू टेस्ट मैच में।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो कितने हैं दोस्तों? दो। ठीक है, मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग हैं। हमारा प्रश्न है, धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब लंदन के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब लंदन के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो लंदन हमारा हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों हमारा प्रश्न है किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 क्रूरो यानी कि 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा पुस्तक में ऐसा कहा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1956 में मध्य प्रदेश के पुनः संगठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई योजना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कितनी थी दोस्तों? 3। हमारा अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर धारा प्रतिकूल में। सॉरी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में। ठीक है, तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा हाइड्रोक्लोरिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, वर्ष 2000 में नर्मदा हाइड्रोक्लोरिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की उपनदी है? तो इसका सही आंसर होगा पार्वती। ठीक है, चंबल नदी की उपनदी कौन है? इनमें से पार्वती। हमारा लास्ट प्रश्न है जीके का, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच में। किसके बीच में स्थित है? बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच में। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जनरल हिंदी के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, नाच नचाना मुहावरे का आसरा है? तो इसका आसरा क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, परेशान करना। ठीक है, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ होता है परेशान करना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है विशेषज्ञ। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या होता है? विशेषज्ञ। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जलज के पर्यायवाची के लिए सही विकल्प है? तो उपयुक्त सभी, जलज का चंद्रमा कमल संघ। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, इति का विलोम शब्द होता है प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ। नेक्स्ट प्रश्न, दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है दौड़। ठीक, दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है दौड़। हमारा अगला प्रश्न है, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पितृ प्लस अनुमति। क्या हो जाएगा? पितृ प्लस अनुमति। अगला प्रश्न है, कृष्ण शब्द का आशय होता है वासुदेव, माधव, गहरा नीला रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, कृष्ण का जो आशय है गहरा नीला रंग, माधव, वासुदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, बहाव शब्द का उदाहरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न, गिरा शब्द का अर्थ नहीं है? तो इनमें से क्या नहीं है? विधि। गिरा शब्द का अर्थ होता है शारदा, बोली, वाणी, लेकिन विधि इसका अर्थ नहीं है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्मुदुमी में संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है? गुड़ स्वर संधि। कौन सी है दोस्तों? गुड़ स्वर संधि। हमारा अगला प्रश्न है, लोकोक्ति के संबंध में असत्य कथन है? तो इसका जो असत्य कथन यह है कि लोकोक्ति में वाक्यांश होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। अगला प्रश्न है, हा वर्ड का उच्चारण स्थान है तो किसमें? कंठ। ठीक है, हा वर्ड का उच्चारण स्थान है कंठ। द्रव्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन नहीं है? सोम। द्रव्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर? दूसरा, सोम।
हमारा अगला प्रश्न है, बंधन का विपरीतक शब्द नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैद, फुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गधा का समानार्थक शब्द है तो खर भी बोला जाता है, धूसर भी बोला जाता है, रास बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गधा का समानार्थक शब्द है उपयुक्त सभी, ठीक है। आधुनिक काल के कवि हैं तो इनमें से बताना है कि आधुनिक काल के कवि कौन है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, कौन हो जाएंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुवचन शब्द है तो कौन सा बहुवचन शब्द, दाम, ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द नहीं है तो क्या नहीं है, प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है एक, ठीक है, तो ये बहुवचन शब्द नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताइए तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये क्या है हमारा शुद्ध वाक्य, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है तो पेड़ क्या है स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, मड़ी फौज टोली ये सब के सब क्या है स्त्रीलिंग है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है तो इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, आँख, ठीक है, बाकी हाथी चंद्रमा कुटुंब ये स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में हिंदी भाषा के कवि नहीं है तो कौन नहीं है, चंडीदास, चंडीदास हिंदी भाषा के कवि नहीं है, बाकी ये तीनों हिंदी भाषा के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, सकुश पूर्वक, क्या हो जाएगा हमारा अशुद्ध शब्द, सकुश पूर्वक, ठीक है, बाकी के ये शुद्ध शब्द हैं। हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द बताना है तो हमारा शत्रुघ्न, क्या हो जाएगा हमारा शुद्ध शब्द, ये बाकी के ये तीनों क्या हो जाएंगे अशुद्ध शब्द। इसके बाद दोस्तों जनरल मैथ, ठीक है, जनरल मैथ के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है, ये बताना है, 24 पुरुष एक काम को इतने दिन में करते हैं तो 18 पुरुष कितने दिन में करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है 5% लाभ पर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये बहुत ईजी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, और अगर आप बोलते हैं कि सर इसको सॉल्व कराइए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, तो हम इन प्रश्नों को भी अलग से सॉल्व कराएंगे। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों जनरल कंप्यूटर, ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा 40 मार्क्स का जो जनरल कंप्यूटर पूछा जाता है, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के प्रश्न, पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की बताइए तो कंट्रोल प्लस ई को, जैसे जो पैराग्राफ है उसको सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई को हम प्रेस करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है तो इसका जो पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, पेजिंग की अवधारणा किससे संबंधित है तो इसकी जो अवधारणा है वो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम से संबंधित रखती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से आईपी एड्रेस रोज नहीं बदलते हैं, ठीक है, तो जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होते हैं वो रोज नहीं बदलते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था प्रस्तुत करने और पूरा होने के बीच की अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिवर्तन समय, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रतिवर्तन समय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रीव्यू दस्तावेज के पूर्व पीठिका का रंग नहीं दिखाता है तो प्रिंट प्रीव्यू इसका रंग नहीं दिखाता है तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमएस डॉस
ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, एमएस डॉस क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर अंकीय आंकड़ों का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेस, पता। ठीक, पता गैर अंकीय आंकड़ों का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन माध्यम है? तो उपयुक्त सभी, शासकीय केवल, उपग्रह संचार, ऑप्टिकल फाइबर केवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेटवर्क है? तो ये मैन, वैन, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये सब के सब क्या है? इंटरनेटवर्क है। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस का अव्यय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट एक डाटाबेस का अव्यय नहीं है, इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ डाटाबेस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक नहीं है? तो लोडर प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक नहीं है, ट्रांसलेटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस तालिका से कुछ डेटा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूरी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्या हो जाएगा हमारा सही, क्यूरी। अगला प्रश्न है, विषम का चयन करें। तो .org.comi.mil ये अलग है, .nic.in, ठीक है, तो विषम में हमको और बताना था, तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि के कारण क्या हो सकता है? तो सिस्टम में अवैध पहुंच, सिस्टम अस्थिरता, सिस्टम खराब। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रदर्शन में स्लाइड्स प्रदर्शन करने के लिए लगाए गए स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रांजिस्टर, क्या कहा जाता है, ट्रांसेंस। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लिकबोर्ड या कॉपी बफर से टेक्स्ट डालने के लिए पेस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है? क्लिपबोर्ड या कॉपी बफर से टेक्स्ट डालने के लिए पेस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस 2007 में क्लिपबोर्ड विकल्प होम मेनू के तहत उपस्थित है? दूसरा क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, कौन से प्रोग्राम लैंग्वेज के द्वारा 3D में वेब पेज बना सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा VRML। ठीक है, किसके तहत? VRML के तहत बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस में डिफॉल्ट प्रिंट मोड क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न, वेबसाइट के पहले पेज को कहते हैं होम पेज। ठीक है, क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है वेबसाइट के पहले पेज को। नेक्स्ट प्रश्न है, वेब 12 पर आधारित संख्या प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो ड्यू डेसिमल, क्या कहा जाता है दोस्तों, ड्यू डेसिमल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के रूलर का मदद करता है? तो किसमें करता है? उपयुक्त सभी, तालिका को ठीक करने में, पृष्ठ सीमा बदलने में, मांग पत्र को ठीक करने में। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक पूर्व संचित प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए मेमोरी से सीपीयू में लाया जा सकता है? ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सिस्टम के रैम का उपयोग करने के लिए सीपीयू कौन से साधन का उपयोग करता है? तो एड्रेस बार। ठीक है, एड्रेस बार का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, DDR स्टैंडर्ड फॉर, DD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डबल डाटा रेट, क्या होता है? डबल डाटा रेट, याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है, क्या है? एप्लीकेशन सूट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एन एप्लीकेशन सूट। नेक्स्ट प्रश्न, टोपोलॉजी के एक सामान्य केबल का उपयोग करता है जो नेटवर्क में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, बस टोपोलॉजी रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया?
ठीक है, कौन सी पीढ़ी में, कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी निम्नलिखित में से किसको पूरक विकल्प के रूप में सेकेंडरी मेमोरी में आवंटित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो रैम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, सी यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सी यू का फुल फॉर्म हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डी एस एल यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ब्रॉडबैंड प्रकार का इंटरनेट कनेक्ट कनेक्शन है। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, वेब सर्च इंजन तो क्या है, वेब पेस्टों में परिणाम, www पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया, FTP सर्वर पर खोज करने के लिए डिजाइन किया गया। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक वेब पेज अंतर संबंधित जानकारी का संग्रह है। एक वेब पेज अंतर संबंधी जानकारी का संग्रह है, पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्राहकों को खुदरा द्वारा संचालित एक सुरक्षित वेबसाइट पर वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग। तो ये खुदरा ग्राहकों को खुदरा द्वारा संचालित एक सुरक्षित वेबसाइट पर वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये कैंसल्ड हो गया था, ठीक है, और ये भी प्रश्न है, ये भी कैंसल्ड हुआ है, ठीक, ये भी प्रश्न है जो कि कैंसल्ड हुआ है, ठीक है, ये तीन प्रश्न थे जो कैंसल्ड हो चुके थे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसर डेटा अनुरोध की प्रक्रिया के लिए गया कुल समय और फिर एक स्टोरेज डिवाइस से आवश्यक डेटा पुनः प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेस समय, एक्सेस टाइम। दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है। तो दोस्तों ये हमने आपको स्टेनोग्राफर और एलडीसी के जो 2017 का पेपर था हमने पूरा डिस्कस किया, ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।